भारत में खुले एप्पल स्टोर ने कितनी कमाई कर ली है। पहले मुंबई और फिर बाद में दिल्ली में खुले एप्पल स्टोर के उद्घाटन के लिए हजारों की भीड़ वहां पहुंची, ये देखने के लिए कि कैसा होगा भारत का पहला एप्पल स्टोर। ओपनिंग सेरेमनी के लिए खुद एप्पल सीईओ टिम कुक वहां पर पहुंचे। वो इतने एक्साइटेड दिखे कि इसके प्रमोशन के लिए हर जगह खुद ही मंडराते नजर आए। कभी प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो कभी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से तो कभी बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलते नजर आए। स्टोर्स को एप्पल ने भारी भरकम किराए पर लिया है। स्टोर के किराए की खूब चर्चा हुई कि भैया कितना किराया है भला इसका। वैसे तो किराया इनका 42 लाख रुपए महीना है, पर लोगों ने इसे भी एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ तराजू में तोल दिया और कहने लगे कि एप्पल को अपनी दुकान के लिए हर महीने 30 आईफोन 14 प्रो मैक्स देने होंगे। इतने तगड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं कि अगर एप्पल के स्टोर चल पड़े और पैसा छापने लगे तो कहीं दूसरी कंपनियां भी बगल में अपना स्टोर ना डाल ले और एप्पल के ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दे, इसकी रोकथाम के लिए जबरदस्त तरीके के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए गए हैं। Amazon, Facebook, Google, LG, Microsoft, Sony, Twitter, Bosch, Dell, Garmin, Hitachi, HP, HTC, IBM, Intel, Lenovo, Next, Panasonic और Toshiba जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस एप्पल स्टोर के आसपास डिस्प्ले विज्ञापनों के साथ अपने स्टोर नहीं खोल सकते। मतलब खोलना है तो खोलो, पर बोर्ड नहीं लगा सकते, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए होर्डिंग नहीं लगा सकते। अब सवाल ये उठता है कि जो आपने थंबनेल में देखा है कि आखिर इतनी चकाचौंध उड़ाने के बाद और इतना पैसा खर्च करने के बाद आखिर एप्पल प्रॉफिट बना भी पा रहा है कि नहीं, उसकी सेल कितनी हुई, ओपनिंग के दिन क्या लोगों ने सामान खरीदा भी या फिर यूं ही लड्डू खाने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी। अब उद्घाटन के समय एप्पल ने लड्डू बांटे या नहीं इसका डेटा तो हमारे पास नहीं है, पर इनकी सेल का डेटा जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए। तो आपको बता दें कि एप्पल का काम जम चुका है। एप्पल के ये दोनों स्टोर अपना खर्चा पानी तो निकाल ही रहे हैं, साथ में प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इनकी सेल 45 से 50 करोड़ रुपए प्रति माह तक पहुंच गई है। ये दोनों स्टोर इतना पैसा छाप रहे हैं कि एप्पल के टॉप 10 स्टोर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। कहते हैं कि दिवाली के समय किसी बड़े से बड़े ब्रांड ने जितनी कमाई की होगी ये उससे 3 से 4 गुना ज्यादा है। मुंबई में ओपनिंग वाले दिन ही 10 करोड़ रुपए की सेल हुई। भाई साहब, एप्पल का हर प्रोडक्ट इन स्टोर में आपको जरूर मिल जाएगा। आप हमारा ये वीडियो कौन सी कंपनी के फोन या फिर कंप्यूटर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। देखते हैं कि हमारी ऑडियंस में भी एप्पल का जलवा छाया हुआ है या नहीं, तो कमेंट जरूर करना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को ये वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करना।